भाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। भाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान, और आप जैसा तस्वीर में देख रहे होंगे तो मेरे साथ हैं देश के जाने माने एडवोकेट महमूद प्राचा साहब। आजकल इन्होंने पूरा भूचाल मचा रखा है, बहुत सारे लोगों की दुकानें, मैं अल्फाज यूज कर रहा हूँ, दुकानें बंद करा दी है। अब वो भटक रहे हैं कि किस तरीके से इनको रोके और अपनी दुकान जैसे उनकी पहले चल रही थी वैसे चलाने की कोशिश करें। फिलहाल इन्होंने मुजफ्फरनगर और मेरठ का दौरा किया है, वहां के हालात को देखकर लौटे हैं। मैंने आपसे बताया था, कई खबरों में पहले भी कह चुका हूँ, मेरी मजबूरियां हैं, दुश्वारियां हैं, मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया, उतना मेरे पास संसाधन नहीं है, नहीं तो मैं जाता और एक एक घर की एक एक तस्वीर को दिखाने की आपको कोशिश करता। कुछ चीजें इनसे समझने की कोशिश करते हैं, ये देख के वहां पे क्या है। मेरठ और मुजफ्फरनगर का आपने दौरा किया है, क्या आपने पाया वहां पे और किस तरीके की चीजें हैं वहां से निकल रही? देखिए, सबसे पहले तो भाकड़ खबर हैक होने के बाद मैं पहली बार आपके चैनल पे आ रहा हूँ, तो पहले आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपकी भी कोशिश है और लेकिन ये इस सबसे बड़ा सबूत है इस बात का, और ये सर्टिफिकेट है आपको आरएसएस द्वारा कि जो आपका हैक कराया, कि आप ऐसा सच बोल रहे हो जो कि ये मनुवादी व्यवस्था आरएसएस और हमारी जो मोदी की सरकार है जी, वो सुनना नहीं चाहती, और जिससे वो शायद नंगे हो रहे थे। तो इसलिए ये सबसे बड़ी आपकी ये सर्टिफिकेट है कि आपकी इनको इजराइल के लोगों से मिलके आपका ये जो इन्होंने हैक किया है, मोसाद का तक का इस्तेमाल करना, फ्रांस में बैठ के हैक हुआ, बताइए। मैं कह तो रहा हूँ, मुझे पता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मोसाद के लोगों को हेल्प लेकर आपका हैक करना पड़ा, तो ये आपकी सबसे बड़ी मुबारकबाद मैं देना चाहता हूँ। बहुत लोगों की दुआएं भी है सर, आपकी भी दुआएं, हमारी सबकी पूरी ताकत से। आपने हमारे भी बहुत सारे सच अपनी चैनल से दिखाए हैं जी, जो कि शायद आवाज ना बन पाते जनता की अगर आप ना दिखाते, क्योंकि गोदी मीडिया को तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो भोपू मीडिया कहता हूं उसको। अच्छा, आपको भोपू भी है, भोपू मीडिया को हम सब जानते हैं आपके अल्फाज में जी। तो मुजफ्फरनगर और मेरठ में हमने जब चंद्रशेखर आजाद साहब ने और हमने मिलके जामा मस्जिद पे प्रोटेस्ट किया, और जो ये आरएसएस की चाल थी कि इसको मुस्लिम इशू बनाना चाहते थे, ये एक्सपोज किया सबसे पहले कि ये जितना मुसलमानों के खिलाफ है उतना ही एससी एसटी ओबीसी और दूसरी माइनॉरिटीज के खिलाफ भी है। उसके बाद से चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसे लीडर हैं जिनको अरेस्ट किया गया। फिर हमने मेरठ मुजफ्फरनगर के जो दौरा किया मैंने और कलवे जवाद साहब ने जाके, वहाँ भी यही पाया कि मुसलमानों के साथ तो ज्यादती हुई ही है, जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, और ऐसी ज्यादती हुई है, लेकिन दलितों के साथ भी वही ज्यादती की जा रही है उत्तर प्रदेश में जो इस CA NRC और NPR को लेकर, क्योंकि अब जो एससी एसटी लोग भी हैं, ओबीसी लोग भी हैं, वो भी जान चुके हैं कि नागरिकता का अधिकार जो है सबसे छीना जा रहा है जी। और जैसे ही नागरिकता का अधिकार छीना जाएगा, प्रॉपर्टीज सबकी चली जाएंगी, नौकरियां चली जाएंगी सबकी, वोटर वोटिंग राइट चला जाएगा, और जो एससी एसटी के पास तो एससी 55% लोगों के पास तो जमीन का एक गज जमीन भी नहीं रही है जी, जी, जी। तो उनकी हालत तो वो तो कभी साबित ही नहीं कर पाएंगे कि हम भारतीय नागरिक, तो इसलिए उनमें ज्यादा परेशानी और जो माहौल एकदम अप्रिहेंशन का माहौल बना हुआ है। मुजफ्फरनगर और मेरठ में हमने ये देखा कि जो लोग जिनके लोगों से जिनके घरों में घुस घुस के पुलिस ने मारा, एक आतंक का माहौल वहां पे भी कुछ ऐसे जो हमारे लीडरन है कायदीन है ऐसा बना रखा है पुलिस के दबाव में आके, और पुलिस के जो मुखबिर और एजेंट्स हैं कि लोग कंप्लेंट करने को तैयार नहीं जी। और मेरठ में और मुजफ्फरनगर में रात को पुलिस के आतंक कितना है, एकदम जैसे सीज मेंटेलिटी बनी हुई है ना, वहाँ पे सीज कर रखा है पुलिस ने सारा जी। तो लोग जो है मोहल्लों में रात भर पहरेदारी करते हैं कि पुलिस अंदर घुस के उनके घरों में लूटपाट ना करे, और वहाँ पे औरतों और माओ की ये सवाल मैं समझना चाहता था, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो बहुत सारे वफद गए हैं, बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, क्या लोगों में आपको लगता है कि डर है या डर निकल गया? देखिए, लोगों में इतना जोश है अभी भी, वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और सबसे जो अजीब बात है निकल के आ रही है कि संविधान बचाने के लिए जी। कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बचाया था, अब सब ये कह रहे हैं कि हम लोग अगर मर भी जाए जी पुलिस की गोलियों से या लाठी, पूरा मूवमेंट चला ये आपका 11 दिसंबर के बाद, 11 दिसंबर को जब वो पार्लियामेंट से पास कर दिया गया, अगले दिन राष्ट्रपति ने भी चुड़िया बैठा दी, पूरे देश में जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट का सबसे मुझे मजेदार चीज जो लगती है वो ये कि इन्होंने सबके दिमाग से डर को निकाल दिया है, जो शाहीनबाग में नजर आ रहा है दिल्ली में, औरतें अपने घरों का काम निपटाती हैं और रात को आके धरने पे वहां बैठ जाती हैं। हालांकि कुछ लोग, जैसा मैंने शुरू में कहा कि जिनकी दुकानें चल रही थी उन्हें डर है कि बैठी रहेंगे तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, और आपके वहां जाने को लेकर भी वो लोग नहीं चाहते हैं कि वहां पे जाए, लेकिन मैं मुजफ्फरनगर और मेरठ पे ही आना चाहता हूँ। मेरठ की ये वो धरती है जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की सबसे पहली प्रतीक बनकर उभरी थी, क्या आपको लगता है
कि पुलिस इतने जुल्म कर रही है, 25 लोगों को मार दिया, तमाम लोगों की गोलियों से मौत हुई है, लोगों में, मैं फिर स्पष्ट करवाना चाहता हूँ कि कोई डर है, दिखा आपको लोग ऐसे हों कि डर रहे हों? नहीं, डर बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो पुलिस के एजेंट हैं और जो बड़े बड़े वहाँ के हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं और दूसरे जो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन लोगों में डर है या पुलिस के साथ उनकी कुछ कारोबार के जो रिलेशन होते हैं उसकी वजह से प्रशासन के साथ वो लोग डर का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों में जोश कम नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, लोग संविधान की कॉपियां लेके और प्रीएम्बल लेके घूम रहे हैं वहाँ पे कि हम इसके लिए, ये आपको कोई भोपू मीडिया नहीं बताया, वो संविधान की आप सब लोग अपनी जेबों में वो लेके घूम रहे हैं प्रीएम्बल की कॉपी, कि जैसे चंद्रशेखर साहब ने जहां मैंने पढ़ा था वैसे हम जेब में लेके घूम रहे हैं। क्या लोगों में ऐसी कोई शिकायत है कि वहाँ मीडिया नहीं पहुंच पा रहा, बड़े नेता उन तक नहीं पहुंच पा रहे, ऐसी कोई शिकायत लोगों में रही हो, आपने देखा हो? नहीं, लोग अब जो है ना, ये सरकार बार बार बोल रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज इसको स्पॉन्सर कर रही है, जनता की आवाज है, इसको कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा है कोई भी संगठन, ये सरकार जो है इसको, जो अपोजिशन पार्टीज है चाहती है कि अगर हमारी बदनामी हो रही है तो नए जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनके उनके पक्ष में ना जाए, बल्कि ये जो पुरानी एस्टेब्लिश पार्टीज हैं उनके नाम चला जाए। तो सरकार ये झूठ बोल रही है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी स्पॉन्सर कर रही है, किसी पॉलिटिकल पार्टी में इतना दम नहीं है, बीजेपी में भी इतना दम नहीं है कि वो लाखों करोड़ों लोगों को सड़क पर उतार सके, ये सिर्फ बाबा साहब में इतनी ताकत, ये खुद ही लोग निकल के आए। हमें चीज समझ आए, कुछ लोगों ने क्या ऐसे सवाल किए हूँ आपसे कि अब हम आगे कैसे चले इस मूवमेंट को लेके, देखिए आपने कुछ समझाया उन्हें, बताया हो, क्योंकि लगे होंगे लोगों के सवाल, ये सवाल रहे और लोग अब एक मुनज्जम तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, उसीलिए हमने संविधान सुरक्षा समिति बनाई है, चंद्रशेखर आजाद साहब भीम आर्मी के जो संस्थापक हैं वो उसके कन्वीनर हैं और मैं को कन्वीनर हूँ। तो सबसे बड़ी डिमांड लोगों की यही है कि अब हमें रास्ता दिखाएं, पब्लिक कह रही है कि हम पिछली बार जितनी तादाद में आए थे और उससे डबल तादाद में आएंगे बाहर, और हमने जो रास्ते बताए, जैसे हमने ये कहा है कि अब हाथ बांध के प्रोटेस्ट होगा जी, और हम जो अभी रिट भी लगा रहे हैं हाईकोर्ट इलाहाबाद में, उससे हम SOP भी मांगेंगे कि अमित शाह जी जो जाके रैली कर सकते हैं NRC और CAA के पक्ष में, तो क्या जो लोग इसके विरोध में, जो जनता इसके विरोध में, वो भी उसी तरीके से रैलीज कर सकती है, जुलूस निकाल सकती है? नहीं, RSS के लोग तो कह रहे हैं अन्ना की तरह। आप लोगों को नहीं लगता कि कोई ऐसा मूवमेंट चलाया जाए जैसे रामलीला मैदान में अन्ना ने चलाया था कि वहां पे बैठ जाइए और पूरे देश से लोगों का समर्थन आए, या वो अपने अपने शहरों में अपने अपने कस्बों में उस तरीके का मूवमेंट चलाए? देखिए, मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि आप मुझसे अभी किसी की के खिलाफ मत बुलवाइए, लेकिन ये देश की आजादी के बाद पहला जो स्पॉन्टेनियस और जिसको पब्लिक स्वयं कर रही है, मैं कोई भी नहीं करना चाहूंगा उसमें, मैं एक सिंबॉलिक की बात कर रहा हूँ कि जैसे हुआ वो जिस तरीके से हुआ और उसका जो अंजाम हुआ और जो उसके जो जो उसकी जो ब्रांचेस निकल के आई वो क्या कर रही है आज, तो वो जनता का आंदोलन, मुझे उसमें शकी है थोड़ा। ये है जनता का आंदोलन जिसको दमनकारी सरकार, उस टाइम पे कांग्रेस के भी कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे अन्ना को, RSS की पूरी टीम सपोर्ट कर रही थी उसको, ये पूरी दुनिया जानती है। तो हम लोग जो ये संविधान सुरक्षा समिति बनाई है चंद्रशेखर आजाद साहब के साथ मिलके, इसको कोई सपोर्ट नहीं, इसको लगता है ये दलित मुस्लिम वाली जो लड़ाई है यही असल, इनके खिलाफ लड़ पाएंगे लोग? देखिए, सबसे ज्यादा जो मुस्तजफीन है, जो लोग प्रताड़ित हैं, वो इकट्ठे हो रहे हैं संविधान बचाने के लिए। ये सबसे बड़ी जो इसमें जो कामयाबी की बात है, संविधान के लिए लोग लड़ रहे हैं, किसी चीज के लिए, अपने घर के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अपनी नागरिकता चले जाए उसने भी लड़ रहे, संविधान बचाने के लिए। ये सबसे बड़ी इसकी ताकत है। और आपको लगा लोगों में कि ये संविधान के प्रति ज्यादा जागरूकता है, वो चाहते हैं हमारा संविधान बचे? बस, बाकी सब लोग कहते हैं कि बाबा साहब का संविधान बचना चाहिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। और ये भी लोग कह रहे हैं कि RSS और ये बीजेपी की सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है। कुछ ऐसी तस्वीरें आई बिजनौर, आप नहीं गए बिजनौर से, ऐसी कुछ तस्वीरें आई कि एक बेटा मर गया, पुलिस ने गोली में मार दिया, बाद में FIR 4 पुलिस वालों पे दर्ज हुई, लेकिन उसकी डेड बॉडी को 20 किलोमीटर दूर वहां पे दफनवा दिया, वो बाप आज उसकी कब्र तक देखने नहीं जाता। ऐसी कुछ तस्वीरें मुजफ्फरनगर मेरठ के कुछ लोगों ने आपसे कही हूँ, आपके सामने बयान की हूँ कि हमारे साथ ये हुआ है, लेकिन जो हालात यूपी में इस वक्त गांव गांव शहर शहर चल रहे हैं, एकदम पुलिस आतंक का माहौल बना रखी है वहां पे, ताकि जनता की असली आवाज दुनिया तक ना पहुंच सके, ना पहुंच सके। बहुत सारे मुकदमों से बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं लोगों को, मैं हजारों की तादाद में मुकदमे और सैकड़ों लोगों को जेल में डाल दिया, उसके लिए आप लोगों ने क्या सोचा है? मैं सभी लोगों से आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ कि बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठे, हर चीज का हमें पता है और हमने टारगेट कर रखे हैं IAS ऑफिसर्स भी और जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं, जिन जिन ने कानून तोड़ा, जिन जिन ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है वो तोड़ा है और उसके नीचे बने हुए कानून तोड़े, जो जाब्ता है उसको तोड़ा है ये जुल्म करने के लिए, और जो आज डरा रहे हैं लोगों के कि कोई कंप्लेंट नहीं करना, इसीलिए बहुत सारी कंप्लेंट नहीं हो रही जी।
जिनके यहाँ मौतें हो गई है वो FIR नहीं दर्ज कराने की हिम्मत कर रही है, भी नहीं कर रही है। पुलिस तो नहीं कर रही, पुलिस तो मैं कह ही रहा हूँ कि हम टारगेट करके जो बाबा साहब का संविधान तोड़ रहे हैं, हम उन सबके खिलाफ हाईकोर्ट में रिट लगा रहे हैं जल्दी, और हम उन सबको बाबा साहब के संविधान के थ्रू उनकी सही जगह जेल भिजवाने की तैयारी कर रहे हैं। जहां तक हम लोग ये भी आपके माध्यम से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो जो भी फैमिली यूपी में है जिनके यहाँ मौतें हुई हैं, हम उनको दिल्ली लाके, यहाँ पे शाहीनबाग और दूसरे इलाकों के लोगों ने वॉलंटियर किया कि हम आपको दिल्ली लाके रखेंगे अपने पास सुरक्षित, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। ये आपको किसी ये चीज उभर के आ रही है कि तमाम उन लोगों को यहाँ लाएगा, उनको तहफ़ुज़ दिया जाएगा और फिर उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन एक चीज आपने देख रहे होंगे, आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, आदित्यनाथ योगी ने बयान दिया बदला लेंगे, और पूरी सरकारी मशीनरी बदला लेने पे तुली पड़ी है। बुलंदशहर के लोग तो 6 लाख रुपए का DD दे चुके हैं, इसके अलावा तमाम जगह पे नोटिस जारी किए कि जो आगजनी हुई है, जलाया है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, नरेंद्र मोदी की भी यही टोन है, सबकी यही टोन है। उसके बारे में भी तो लोगों ने कहा होगा जी हमारे से ये वसूली कर रहे हैं, हम कहां से देंगे, तो आपने कुछ बताया? ये जो वसूली है ये गैरकानूनी है, हम और हमारे लोग इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, हम सारी कानूनी कार्रवाई करेंगे। बुलंदशहर के लोगों ने गलती की, जो पैसे दिए उनको नहीं देने चाहिए थे, बल्कि पैसे तो योगी जी की पर्सनल जो संपत्ति है उसमें से लिए जाएंगे, क्योंकि चेन ऑफ कमांड में उन्होंने पुलिस को ऐसे ऑर्डर दिए और RSS के लोगों को कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़े और जलाएं, उसके सबूत हमारे पास बेअंतहा मौजूद है। जो ये SSP और DM है इनकी पर्सनल जो जो तनख्वाह होती है उसमें से ये कटेंगे जब इनके खिलाफ हम मुकदमे दायर करेंगे, और ये ना सोचे कि सरकार इस बात का मुआवजा देगी जो लोग इनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज में, क्योंकि सरकार का हुकुम वही मानना चाहिए ऑफिसर्स को, इन्होंने संविधान की इन्होंने शपथ ली है, जनता की शपथ ली। हरियाणा हमने देखा जाट आंदोलन के नाम पे जला दिया गया, फिर बाबा राम रहीम के नाम पे जब उसको सजा हुई तब जला दिया गया। राजस्थान हमने देखा गुर्जर आंदोलन के दौरान खूब आगजनी हुई, खूब ट्रेनों की पटरियां तक फूका, वहां तो मुआवजा नहीं वसूला गया। यहां पे सीधा उपद्रवी बता रहे हैं लोगों ने आपको ये कहा हो कि हम प्रदर्शनकारी हैं, हमें उपद्रवी बताते हैं और हमारे से हर जाना वसूल रहे हैं। उपद्रवी बताना ना बताना इनके हाथ में, ये कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। RSS में जब नरेंद्र मोदी साहब और जो अमित शाह जी हैं वो खुलेआम TV पे झूठ बोलते हैं, पार्लियामेंट में झूठ बोलते हैं, तो इनकी ये तो RSS की झूठी सरकार है। मगर हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें आप बाकी लोगों जो आंदोलन हुआ उसमें क्यों नहीं ऐसा किया, आप ये समझने का बहुत जरूरी विषय है। आप करोड़ों लोग सड़क पे आ रहे हैं SC ST OBC और माइनॉरिटीज के, जिसमें मुसलमान भी शामिल, उनके ऊपर दहशत का माहौल बनाने के लिए हो रहा है ये कोई वसूली का चक्कर है ही नहीं। दिल्ली में भी आप देखेंगे दिल्ली सरकार ने भी पुलिस के साथ मिलकर लगा दिया, तो उसके लिए भी मैं आपको बोलूंगा सरकार को ऐसा काम अपने वकीलों को नहीं करने देना चाहिए। दिल्ली की सरकार तो आम आदमी की सरकार जी ना, उन्होंने भी CAA और उसके खिलाफ ये कहा कि हम इसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ये भी एक विचित्र बात है। परंतु मैं विषय से नहीं भटकना चाहता, मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस दहशत में है RSS कि कैसे इस जनता का जो जन सैलाब आ रहा है संविधान बचाने के लिए इसको रोका जाए, और उसका एक ही तरीका है, इसको ब्लेम करो कि पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, इसको ब्लेम करो झूठा के इसमें वायलेंस हो रहा है, इसको ये कहो कि ये PFI करा रही है। PFI में इतनी ताकत है जो करोड़ों लोग सड़क पे ला सकती है। आज भी 15 लड़के शामली से उठाए गए हैं जिन पे PFI के सदस्य होने का इल्जाम लगा के जेल में डाल, तो क्या है PFI के नाम पे अभी तक तो उधर भी बताया जा रहा था, अब PFI के नाम पे उठाइए और आतंकवाद का आरोप लगाइए और डाल दीजिए। PFI के बाद ISI का नाम लगाएं या किसी का भी नाम लगाएं, ये लोग संविधान की रक्षा कर रहे हैं, भारत के नागरिक हैं, ये कोई इल्जाम लगाएं झूठा इनकी हर चाल नाकाम होगी, मनुवाद हारेगा और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान जीतेगा। तो क्या लंबा चलेगा संघर्ष? नहीं, ये तो मुझे लगता नहीं अब बहुत ज्यादा लंबा चलने वाला है, सरकार डर गई है। जो कहां डर गई, वो तो अभी भी उसी ट्रेंड पे काम कर रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, उतना काम नहीं कर रहे हैं। अमित शाह जी ने आके इस पे बोलना ही बंद कर दिया, रविशंकर प्रसाद जी को सामने लाया गया है, अमित शाह जी को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो साइडलाइन किया जा रहा है इस इशू से। तो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये रियलाइज किया कि अमित शाह जी ने एक गलत काम उनसे करवा लिया। कर्नाटक में पार्लियामेंट में आप कल प्रधानमंत्री को बोलते हुए देखा, कल कर्नाटक में बोले, उन्होंने कहा ये जितने लोग CAA कानून का विरोध कर रही हैं पार्टियां, ये संसद पे हमला कर रही हैं। ये देखिए प्रधानमंत्री जी को ये बात समझनी चाहिए, और वो विद्वान प्रधानमंत्री हैं कि जनता की आवाज है वो, ऐसा कहना डिग्री में तो सवाल है उनकी। नहीं, विद्वान कहना जो प्रधानमंत्री के पर विद्वान तो वकीलों के लिए कहा जाता है, कहीं और तो लिखा ही नहीं जाता विद्वान अधिवक्त, तो आप कह सकते हैं विद्वान। मैं उनको कहना चाहता हूँ विद्वान, अगर आप मुझे रोके ना तो, क्योंकि प्रधानमंत्री कह सकते हैं पद पे बैठे हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं तो उनको विद्वान कहना ही पड़ेगा। तो विद्वान प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने शायद इसके बारे में इसको या जानते हैं या वो झूठ बोल रहे हैं कि ये जनता की आवाज, एक 5 साल के लिए नौकरी पे रखते हैं जनता उन्हें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, और उस आवाज के अगर किसी एस्पेक्ट से जनता संतुष्ट नहीं है तो NRC CAA और NNPR के लिए जनता ने उनसे वो आवाज उठाने का हक छीन लिया है, ये अपने हाथों में ले लिया है। तो अब
जनता जो पंचायत है, जनता की पंचायत ने ये हक ही उनसे छीन लिया है, तो वो जो मर्जी करते रहे, जनता उनको मजबूर करेगी कि वो जनता की बात सुन के ये काला कानून पार्लियामेंट से ही वापस। बहुत शुक्रिया। तो ये लगता है भारत की आने वाली राजनीति का टर्निंग पॉइंट साबित होने जा रहा है कि क्या जनता के सामने वाकई में तानाशाही सरकार झुकेगी या ये तानाशाही सरकार अभी भी अपने आततायी फैसले लेते हुए ऐसे ही आगे बढ़ेगी। बहुत सारे सवाल हैं, बदलते रहेंगे, पल पल चीजें बदल रही हैं, हम भी आपके सामने कुछ लाने की कोशिश करते रहेंगे। बने रहेगा डॉक्टर कपूर के साथ। फिलहाल अभी दे इजाजत।